बहुत ही दहशत फैला हुआ है हमारे गांव में। जब तक शूटर साइड का आर्डर मिल जाएगा तब तक पता नहीं है कितने लोगों का अपने निवाला बनाएगा। शाम पत्किन पत बचन पे रोज रोच नबर गेट नबर दिवान बचन कह। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को चाहिए कोई नई टेक्नोलॉजी वो यूज करे जिससे ये जो खूंखार ये जो आदमपुर जानवर है ये टैकल हो जाए। हम बच्चों को छुट्टी के टाइम भी साथ जाते हैं, टीचर साथ जाते हैं और आते वक्त भी जो हमारा एक घंटा फ्री होता है उसमें भी मैंने इंश्योर किया कि बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। हम चाहते हैं कि लोग खुद भी एहतियात करें, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि इन दिनों दिख रहा है ये काफ़ी ये आता जा रहा है, इसको लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। देखिए ये जिस दिन से उस बच्चे को इसने खाया है, 2 साल का बच्चा था, बिल्कुल ये हमारे बिल्कुल हमसाया हैं तो हम उसी वक्त पहुंच गए तो खैर बच्चे को मुर्दा पाया, उसको खाया था उसने और उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने यहाँ आके केज वगैरह लगाए जिसमें भी एक वृक्ष बंद हो गया। तो खैर वेट कर रहे थे हम इसी का जो दरिंदा है इसको पकड़ा जाए, इसको ट्रैप किया जाए, पर फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केज लगाया था तो उस केज में अभी तक फंसा नहीं बिल्कुल। उसके बाद कल शाम को 6 बजे के करीब हमारे हमसाये लड़का एक पीर साहब का बच्चा है वो इधर से आ रहा था तो उसके बाद उन्होंने उसने उसकी मूवमेंट देखी, सामने आके उसको खड़ा हो गया तो उसने अपनी जान बचाई। तो उसके हाथ में छड़ी थी तो वो बिल्कुल इस जो मेरे पीछे से आप गुरुद्वारा देख रहे हैं इसी साइड से निकला और उससे निकल कर इसने रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस करके इस बाग में चला गया। तो उसी दरिंदे में जाके एक खान की एक गोरी का बच्चा जो था वो पकड़ के मार के और उनके कुत्ते को भी जख्मी किया। उसके बाद बहुत ही दहशत फैला हुआ है हमारे गांव में। डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने केज लगाया है 2 जगह पर अभी तक भी उसको वो सफलता नहीं मिली है उनको। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं 1 किलोमीटर यहाँ से गांव से स्कूल है, ऊपर स्कूल जाते हैं पैदल जाते हैं, अब बेचारे मास्टर उनके साथ होते हैं, 2-2, 3-3 मास्टर उनके साथ होते हैं आगे पीछे, तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी टैप किया जाए ताकि हमारे जो है ये बच्चे सेफ रहे। थैंक यू। हम बदकिस्मती से एक युवा पिछले 2 महीने से घूम रहा है हमारे गांव में, पहले बदकिस्मती से इसने एक छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची को निवाला अपना बनाया, उसके बाद एक बछड़े को बनाया, आज फिर घोड़े पे अटैक किया। अब हमने वाइल्ड वेलफेयर फॉरम से पूछा आपकी चैनल की वसात है, जब उनसे पूछा ये बोलता हमको शूटर साइड आर्डर मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग बदकिस्मती से शिकार हो रहे हैं कि कब उनको शूटर साइड का आर्डर मिल जाएगा। जब तक शूटर साइड का आर्डर मिल जाएगा तब तक पता नहीं है कितने लोगों का अपने निवाला बनाएगा। मेहरबानी करके वर्ल्ड वाइड वालों से यही गुजारिश है कि कोई नई टेक्नोलॉजी करे या शूटर साइड आर्डर पे उनको मिलना चाहिए ताकि काबू में आ जाए। देखिए कल रात के 9 बज चुके थे तो अचानक एनडीए ने गुजरबस्ती बिशनपुरा में हमला किया, एक घोड़े पे हमला किया जो की सादिया खान का घोड़ा था, उसमें हमला किया है और उसे अपना शिकार बना लिया। तो इससे पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत से यहाँ पर उसने अब कैजुअलिटीज यहाँ पे आई है गुलशनपुरा के गांव से, इससे पहले एक बच्ची को उसने खाया, उसके बाद उस कुत्ते को भी उसने शिकार किया और एक बछड़े को भी शिकार किया, आज फिर से इस घोड़े को शिकार किया। तो इसकी वजह से जो है पूरे इस इलाके में दहशत फैल चुकी है, पूरा हर कोई खौफजदा है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या करें हम अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हर कोई खौफ और दहशत में, खासकर हम हमारी औरतें हमारे बच्चे वो ज्यादा खौफजदा है, घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो क्योंकि फिर कोशिश की थी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की थी, हम नहीं कह रहे कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो केज सिस्टम उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया उसमें वो पूरी तरह से अभी तक नाकाम हो चुके हैं, ये आपको पता, ये हम सब जानते हैं।
कि और कैजुअलिटीज जो है बार बार आ रही है दिन ब दिन, मतलब एक हर हफ्ते में कोई ना कोई कैजुअलिटीज हमें देखने को मिल रही है, तो पूरी तरह से वो नाकाम हो चुकी है। तो हमारा मुतालबा यही है कि कोई नई इंस्ट्रूमेंट आनी चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी आप यूज कीजिए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को चाहिए कोई नई टेक्नोलॉजी वो यूज करे जिससे ये जो खूंखार ये जो आदमपुर जानवर है ये टैकल हो जाए, ये अपने काबू में आ जाए। जो हमारी डिमांड है वो यही थी कि एक सर्च ऑपरेशन होना चाहिए, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन हमारे इन जंगलों में होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बार बार हमें आ रही है, रोज आ रही है। जो भी जंगल जा रहा है वो कह रहा है कि मैंने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने वहां पे देखा, तो दैट मीन्स कि ये हमारे ही जंगल में घूम रहा, हमारे आसपास घूम रहा, हमारे एरिया में घूम रहा। एक मैसिव सर्च ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें उसको शूट एट साइट ऑर्डर हमें मिलना चाहिए, बस यही हमारी डिमांड है, ये पब्लिक की भी डिमांड है। एज फार एज स्कूल इज कंसर्न, ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ, एक छोटी सी बच्ची है उसको एनवे ने पिछली बार जख्मी किया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। हम पहले से ही इस बारे में कंसर्न थे, हमने हमेशा बच्चों का ख्याल रखा, लेकिन जब से ये वाकया हुआ तब से हमने 100% इनकी सेफ्टी इंश्योर किया है। जैसे हम बच्चों को छुट्टी के टाइम भी साथ जाते हैं, टीचर साथ जाते हैं, और आते वक्त भी, तो हमने उनको सुबह मैंने टीचर्स को कह रहा है कि जो लोकल टीचर्स हैं वो उनके साथ आएंगे, तो कोई भी बच्चा अकेले नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि हमने जो स्कूल लंच टाइम के बाद जो हमारा एक घंटा फ्री होता है उसमें भी मैंने इंश्योर किया कि बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। बच्चे यहाँ पे स्कूल बड़ा है, बिल्डिंग बड़ी है, तो खेलने के लिए भी काफ़ी जगह अंदर, तो उस हिसाब से यहाँ जो स्कूल के हवाले से मैं बता रहा हूँ, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 to 4 मैं इंश्योर करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गोडलुक अटैक करो गुलशन पर तत्य गो पद गो दम अटैक सैमु तत्य कोर वाइल्ड लाइफ खामोश रात गो अस ये हमसाय कल बच्चा ओठ वुहर तमिस तिस् थप अमी आदम खोर सहन तो सुत बचो बाल बाल महकम वाइल्ड लाइफस अपील करान अगर हाँ जो रेत गई ये कसत चलान तह ना सा करू ना कहीं कार्रवाई क्या सान बच्चे सान बुजुर्ग सान माज बेन वन बागन मं खौफस मं दपान अगर बागन पे गो असा हम लोगों ने भी देखा है काफ़ी दिनों से इसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है गुलशनपुरा में, शायद ऊपर जंगलों में खाने की इसको कमी लग रही है, इस वजह से थोड़ा नीचे आ रहा है यहाँ, क्योंकि लोकली इनको डॉग अवेलेबल है जो उसका फेवरेट फूड है और वो इजी प्रे रहता है इसके लिए। मुझे लगता है कुत्तों की तलाश में नीचे चला आता है क्योंकि शायद इस जंगल में हमारे हर्बिवोर जानवरों की कमी बहुत कम है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको अपना खुराक ऊपर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से नीचे आने की कोशिश करता है रोज़ बरोज़। तो इसी वजह से लगता है कि लोगों को भी खतरा लग रहा है, कि हम चाहते हैं कि लोग खुद भी एहतियात करें, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इन दिनों दिख रहा है काफ़ी ये आता जा रहा है, इसको लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है।